ओके, तो अब हम अगला, ये हम फ्रेम को मॉडल करने वाले हैं, बे फ्रेम को। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखने में लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। इसमें कंडीशन लगी हुई है कि स्ट्रक्चर विजार्ड से हमें क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर विजार्ड से क्रिएट करना है, बट ये ध्यान देना है कि इसमें जो स्पेसिंग है वो सिमिलर नहीं है। बट हम ध्यान देते हैं इसमें जो इसका डिस्टेंस है जेड एक्सिस में, ये है 18 मीटर का, 18 और इधर 14, 18 बाई 14 मीटर की ये फ्रेम है, जिसमें फर्स्ट की जो हाइट है वो 1 मीटर है, अगली की हाइट है 4 मीटर, अगले वाई में है 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 2 मीटर, मीन्स टोटल 13 मीटर की हाइट है। ठीक है, इसमें हमें हर एक में अपना इस स्पेसिंग के हिसाब से हमें डालना पड़ेगा। मेन जो फ्रेम का है वो 18, 14, 13 मीटर की वो है हाइट। तो आइए हम स्टार्ट ओपन करते हैं। ये हमारा स्टार्ट ओपन हो गया, न्यू पे जाते हैं, स्पेस यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं बे फ्रेम, बे फ्रेम बिल्डिंग, बे फ्रेम बिल्डिंग फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर विजार्ड डायरेक्ट हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो अब हम आएंगे यहाँ पे फ्रेम मॉडल में, फ्रेम मॉडल में बे फ्रेम पे डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए, तो बेसिक क्या है, लेंथ एक्स एक्सिस बताता है, ठीक। तो एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में क्या है, ये देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है मतलब 14 मीटर का, वाई एक्सिस मीन्स हाइट, सॉरी हाइट जो है वो 13 मीटर की है, विड्थ कितनी है 14 मीटर की। सॉरी, विड्थ तो 18 मीटर है, 18 मीटर। अब यहाँ आते हैं हम, इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो हाइट में कितनी है, 5 है, एक्स में कितना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एक्स में 4 है, वाई ये वाई में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वाई में हमें करना पड़ेगा 6। अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये इवन डिस्टेंस का बन जाएगा, लेकिन हमारे पास जो स्पेसिंग भी है वो डिफरेंट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी वो स्पेसिंग यहाँ पे इंटर करते जाएं। ये देखिए, जैसे ही हमने ये क्लिक किया अलोंग लेंथ के अलोंग, तो लेंथ के अलोंग हमने डिस्टेंस दी हुई 14 मीटर का, इसने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया 3.5-3 मीटर पे, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। पहली स्पेसिंग है इसमें 3 मीटर की, दूसरी स्पेसिंग है 4 मीटर की, तीसरी स्पेसिंग है 5 मीटर की, और आखिरी स्पेसिंग है 2 मीटर की। अगर ये डिस्टेंस गलत डालेंगे तो ऑटोमेटिक एरर दे देगा। ओके करिए, ये देखिए इसने कोई एरर नहीं दिया, यानी कि ये लेंथ 14 मीटर की, ये टोटल डिस्टेंस भी आ रही है। अब हाइट के अलोंग देखते हैं, हाइट के अलोंग पहली जो हाइट है वो नीचे स्टार्ट करते हैं, इसमें 1 मीटर, अगली है 4 मीटर, उसके बाद है 3 मीटर, उसके बाद है फिर 3 मीटर, और लास्ट जो बचा है वो 2 मीटर। आप ओके करिए, ये देखिए इसने कोई एरर वो नहीं किया। नेक्स्ट, अब आते हैं जेड एक्सिस में, तो पहली डिस्टेंस है 3.5 मीटर, 3.5, नेक्स्ट 2 मीटर, नेक्स्ट 3.5, नेक्स्ट 2 मीटर, नेक्स्ट 5 मीटर, नेक्स्ट 2 मीटर। ओके करिए, और आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, ये जो था मॉडल तैयार हो गया, सेम डिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक्स में जेड में 6। अब यहाँ से क्लोज करिए,
वुड यू लाइक टू ट्रांसफर योर प्रोटोटाइप इनटू स्टैट प्रो? यस, तुमने स्टैट प्रो चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको लोकेशन पूछ रहा है, फिलहाल कोई कंडीशन नहीं है तो ओरिजिन पे सेट कर लेते हैं। ठीक, अब हम इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं। हाइट दी हुई थी 13 मीटर, एक्स में लेंथ दी हुई थी 14, वाई में दी हुई थी 18। एक एक बैग स्पेसिंग देख लेते हैं, 1 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 2, 1, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 3, 2। ठीक है, अब अगला देखते हैं, वाई का 3.5, 2, 5, 2, 3.5, 2, 3.5, 2, 3.5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2
जो कि हमने इस टेक्स्ट में देखी है, तीन चार पांच दो, तीन चार पांच दो, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल तैयार हो गया। आप यहाँ पे जाइए, आपको जॉब की इन्फो डालिए, आप डाल दीजिए कुछ भी, कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं। सेव, यस सेव। अब यहाँ से सेव कर दीजिए, नो चेंज माय फॉर्म, सेव, ओके।